नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह। फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के आए नतीजे। 10 जुलाई को सभी सीटों पर हुई थी वोटिंग। उपचुनावों में इंडिया गठबंधन की जीत। लोकसभा के बाद उपचुनावों में भी बीजेपी को हाथ लगी निराशा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। चारों सीट रानाघाट दक्षिण, रायगंज, बागदा और मानिकतला में टीएमसी की हुई बंपर जीत। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी बीजेपी की बड़ी हताशा। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विजयी घोषित। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने देहरा से 9,265 वोटों से बीजेपी को हराया। बीजेपी के होशियार सिंह रहे दूसरे नंबर पर। बीजेपी उम्मीदवार कमलेश प्रताप शाह ने मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट की अपने नाम। कांग्रेस के धीरन शाह इनावती को 3,252 मतों से दी शिकस्त। सीएम सुक्खू ने गृह जिले हमीरपुर में बीजेपी के आशीष शर्मा की हुई जीत। 1500 से अधिक वोटों से बने विजयी। आपके खाते में गई पंजाब की जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट। मोहिंदर भगत ने 37,000 वोटों से हासिल की जीत। दूसरे पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस। बिहार की रुपोली पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह का चला जादू। बीजेपी के कलाधर मंडल दूसरे स्थान पर और आरजेडी की बीमा भारती रही तीसरे स्थान पर। तमिलनाडु सीएम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने चेन्नई के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच बांटी मिठाई। डीएमके ने विक्रेवंडी विधानसभा उपचुनाव में की जीत दर्ज। फिलहाल फटाफट खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें जनहितेशी। नमस्कार।